तो यार आज हम आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आलू बुखारे को धो लेना अच्छी तरह। इस तरह से हमने अच्छी तरह आलू बुखारे को धो लेना है, मिट्टी वगैरह ना रहे इस पर। ठीक है, इस तरह से। अच्छी तरह धो के इसको ये आधा किलो आलू बुखारा है और इसको अभी मैं शरबत बनाऊंगा इसका, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो व्यूअर्स, ये आलू बुखारा धुल चुका है। अब मैं इसमें कुछ पानी ऐड करूंगा। तो इसमें 3 से 4 ग्लास आप पानी ऐड कर लें इसमें, या बाकी आप बाद में कर लें। अब इसको चूल्हे पर रखना हमने। तो व्यूअर्स, ये मैंने चूल्हे पे आलू बुखारों को रख दिया। ये देख सकते हैं, लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मैं चूल्हा जलाऊंगा। ये कम से कम व्यूवर 20 मिनट तक इसको हमने पकाना है। ठीक है, इसके साथ में आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं अपनी अपने पानी के हिसाब से। तो मैं भी इसमें चीनी ऐड करता हूँ। ये देखें, ये चूल्हे पे आलू बुखारे को रखा हुआ है और इसको हमने 20 मिनट तक रखना है और चेक भी करते रहना साथ साथ। ठीक है जी, चलें इसे 20 मिनट तक पकने देते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये उबल रहा है आलू बुखारा। ये देखें, इसके छिलके भी उतर रहे हैं। ये देखें ज़रा ये, और ये बहुत प्यारा बन रहे हैं। अभी हम सिर्फ इसको 2-3 मिनट या 5 मिनट और बॉयल करेंगे और फिर इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। ठीक है जी, चलें। तो व्यूअर्स, ये हम अब तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अभी हम इसको चूल्हे से उतारेंगे। ये हमने उतार लिया और हम इसमें से आलू बुखारों को अलग कर लेंगे, जिनके छिलकों को हमने निकालना है इसमें से। ये आलू बुखारे हमने देखें इस तरह निकाल लेने हैं। ये इस तरह से हमें सारा आलू बुखारा निकाल लेना है। ये बहुत ही प्यारा कलर बन गया है। बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इस पानी को छान लेंगे, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे इसको। अब इसको छान लेंगे इस तरह से। जितने भी छिलके होंगे वो सारे निकल जाएंगे।
से आपने ये सारा जो इसके छिलके निकल गए हैं। तो अब हमने क्या करना, अब हमने बाकी जो आलू बुखारा है इसमें से छिलके भी अलग करने हैं और इसमें से पल्प भी अलग करना, गुठलियाँ भी अलग करनी। पहले इसको थोड़ा सा इस पर से ये छिलका उतारना है। गुठली भी, ये पल्प हमने डालना है इसमें दोबारा, ये काफ़ी गर्म है तो ठंडा हो जाए ये। छिलकों को अच्छी तरह साफ कर लें, कोई छिलका रह ना जाए इसके अंदर। तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे, इससे बड़ा अच्छा ही मज़ेदार सा हमें आलू भरे शक्कर मिलेगा, पीछे हो जाएगी। अब इसमें गुठलियाँ डालेंगे हम, सारी कोशिश करेंगे निकालने के, गरम ज़्यादा इससे मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना?
तकरीबन इसमें से गुटलियाँ सारी निकल चुकी हैं। अब हम इस पलक को ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी। ग्राइंड करके इसको हम मिक्स कर देंगे इस जूस में, इस जूस में, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये पलक को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, अब इसको ग्राइंड करते हैं। ये पलक हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब हम इस पलक को इसमें डाल देंगे, जूस में शरबत। तो ये व्यूअर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है, अब इसे सर्व करेंगे। व्यूअर मैंने चेक किया है, इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बना है, बहुत मज़ेदार है। तो अब मैं इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगा, तो बाद में इसको थोड़ी देर तक पीते हैं इसको। चलो, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया व्यूअर्स, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।